ये बहुत ढूंढने से मुझे मिली है, मतलब कि समझ ले कि मैं 8 से ज्यादा शॉप्स पे फिरा हूं, तो फाइनली मुझे ये नजर आई है। और ये भी वो कहते हैं ये हमने अपने खास कस्टमर्स के लिए रखी हुई है, क्योंकि कॉमनली जो वॉल लाइट्स होती है उनका ये पैटर्न या ये डिजाइन नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बिलाल जफर शो। ये मेरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, और इस पर मैंने आपको दिखाया था कि बाहर से इंपोर्टेड मलेशियन वॉलपेपर लगाया था इसकी मेन दीवार पर। तो आज उसके साथ वाली दीवार पर कौन सा वॉलपेपर लगाया है वो आपको मैं दिखाऊंगा, और साथ ही साथ उसके थीम के साथ मैचिंग कौन सी वॉल लाइट मैं लगा रहा हूँ आपको वो दिखाऊंगा। ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती है, बिकॉज इनका हमारे घर की अंदर की खूबसूरती में एक कुलीदी किरदार होता है, बुनियादी किरदार होता है। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से कलर थीम्स मैच करते हैं और किस तरह से उसी के साथ की मैचिंग वॉल लाइट ली जाती है, और उसकी प्राइस भी आपको दिखाऊंगा और इसकी प्राइस भी बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको लाइट इंस्टॉल करना भी सिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये है वो इम्पोर्टेड मलेशियन वॉलपेपर, ये मुझे मिला था 4500 रुपीज का एक रोल, और इस वॉल पर तीन रोल्स लगे थे, तो ये वॉल तो काफी महंगी बनी थी। 4500 का एक रोल और तीन रोल्स, मतलब के 13500 रुपये की ये तीन वॉलपेपर्स के रोल्स यहाँ पर लगे थे। तो एक मास्टर बेडरूम की ये दीवार तैयार हुई थी। तो अब इतने खूबसूरत वॉलपेपर के साथ जरूरी था कि इसी के साथ का कोई मैचिंग वॉलपेपर लगाया जाए, तो कलर थीम को वही रखना था और साथ ही जहां तक मुमकिन हो सके डिजाइन पैटर्न को भी यही रखना था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए था, ताकि ये ना लगे कि यही वाली वॉलपेपर दूसरी वॉल पर भी आ गया है। तो उसकी वजह से मैंने ये बिल्कुल डल शेड में शैम्पेन कलर का वॉलपेपर लगाया है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि उसी तरह से कैरियां बनी हुई है या डायमंड सा पैटर्न है। मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाता हूँ, और वो जो जगह है वो छोड़ी हुई है वॉल लाइट के लिए, और वॉल लाइट भी मैंने इसी कलर थीम की पसंद की है, और बहुत ढूंढी है ये वॉल लाइट लेने के लिए। मैं कोई 8 से ज्यादा शॉप्स पर फिरा हूं, और एक खास डिजाइन मेरे जहन में था, उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि किसी के पास वो डिजाइन नहीं था। फाइनली किस्मत से एक दुकान पर मुझे मिल गया वो डिजाइन, तो वहां से मैंने खरीदा उसको। आपको उसके मैं दिखाऊंगा अभी जब वो उसको इंस्टॉल करेंगे, और आप देखिएगा कि लग के वो कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको वो पसंद आई है या नहीं। पहले मैं आपको इस वॉलपेपर का क्लोजअप दिखाता हूँ, ये देखें, क्योंकि वो भी शैम्पेन कलर में था और इसी तरह से बड़े बड़े उसके ऊपर पैटर्न बने हुए थे, तो इस वजह से मैंने इसको भी इसी के साथ में सिलेक्ट किया। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा देखते हैं, तो आपको ना तो ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, और ना ही कोई बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नजर आ रहा है इन दोनों के डिजाइन में और कलर स्कीम में। तो ओवरऑल बहुत खूबसूरत लुक आ रही है, मैं आपको दूर से भी दिखा देता हूं, ये देखिए। अभी ये मेरा इलेक्ट्रिशियन है, इनकी को भी आपने काफी वीडियोस में देखा होगा, वॉल वॉशिंग मशीन का पाइप भी इन्होंने इंस्टॉल किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है, ठीक ठाक, आप सुनाए, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। चलें, अभी देखिएगा कितनी प्यारी वॉल लाइट लेकर आया हूं, और वो लग के कितनी खूबसूरत लगती है। ये जैसा मेरा फानूस है, फानूस के साथ की ही वॉल लाइट मैं लेकर आया हूँ। फानूस तो मैंने बाहर लगाया हुआ है, मतलब ड्राइंग रूम में, आपको वो भी दिखाता हूँ, और वो आपको नजर आएगा सिल्वर कलर में, वो देखें, मतलब इसको ब्लैक भी कहते हैं, सिल्वर भी कहते हैं, है सिल्वर वैसे, और ये क्रिस्टल का है। ये देखिए जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है क्रिस्टल में और सिल्वर में, ठीक है, इस तरह से इसकी कैंडल इफेक्ट जा रही है। इसी का साथ का मैचिंग वॉल लाइट मैंने वो लगाई हुई है, वो देखें कितनी खूबसूरत है, वो इसी के साथ की है। तो कलर थीम को भी मैच किया है, स्टाइल को भी मैच किया है, साथ ही सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ है, ये देखें। तो ये भी काफी ढूंढी थी मैंने, और मैं चाह रहा था कि इसी के साथ का मुझे मिले स्टाइल, तो काफी हद तक इसी के साथ का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा, और क्योंकि यहां पर ये ड्राइंग रूम एरिया, यहां पर तो सारा सिल्वर थीम रखी गई है, सिल्वर एंड लाइट ब्लू के शेड्स हैं, आप जहां पर भी देखें सिल्वर लाइटिश सा बेज एंड लाइक लाइट ब्लू एंड ग्रे की थीम्स आपको यहां पर नजर आएंगी। तो इस जैसे यहां पर ये सिल्वर लगाया, लेकिन क्योंकि वो बेडरूम एरिया है और बेडरूम में शैम्पेन थीम रखी हुई है, तो इस वजह से वहां पर जो वॉल लाइट मैं लगा रहा हूं वो शैम्पेन कलर में है। मैं आपको अभी दिखाता हूं जाकर,
ये भी मैं मास्टर बेडरूम की तरफ जा रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कैसे मैं कह रहा हूं कि शैंपेन थीम है। ये देखें, एक ये शैंपेन कलर है, जो मेन इसका वॉलपेपर है वो भी शैंपेन कलर में है। पर्दे में भी आपको शैंपेन की हिंट्स मिलेंगी, साथ ही जो वॉल डेकल्स हैं ये भी शैंपेन या गोल्डन में है। और फिर ये देखिए, ये जो इसका सारा वॉल पैनलिंग की हुई है इस दीवार के ऊपर, ये भी शैंपेन कह लें, बेज कह लें, तो ये कलर है। फिर यहां पर ये अलमारी है, और अब यहां पर हम लगाने लगे हैं वॉल लाइट। 73,000 रुपये। क्या तुम्हारे गांव का बच्चा है वो? कोई गांव का नहीं है, वो मुल्तान के। अच्छा, मुल्तान का बच्चा है। अभी पहले एक भाई ने बनाया तुम्हारी तरह, फिर दूसरे को खोल के दिया, अभी तीनों भाई ये वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। हाँ हाँ, ये सिस्टम बस इसी तरह होती है। सही है, फेमस दे सामने जितना फेमस। हाँ, जितना होते जाओ। ये देखें, ये अंदर से आपको तारे निकली भी मिलेंगी, इनको आपने कनेक्ट करना होगा। ये है जी वॉल लाइट। अभी आप इसको ऐसे देख रहे हैं, अभी इसके ऊपर हम एलईडी बल्ब लगाएंगे और फिर आपको इसके फिनिश्ड लुक दिखाएंगे। अभी आपको मैंने अपना शैंपेन, अपना वो सॉरी शैंडलियर दिखाया था, आपने देखा था कि किस तरह से, उसी की तरह से इसमें इस तरह कैंडल्स निकली हुई है। ये शैंपेन है तो वो सिल्वर था। चले भाई अब लगाएं। ये बहुत ढूंढने से मुझे मिली है, मतलब कि समझ ले कि मैं 8 से ज्यादा शॉप्स पे फिरा हूं, तो फाइनली मुझे नजर आई है। और ये भी वो कहते हैं, ये हमने अपने खास कस्टमर्स के लिए रखी हुई है, क्योंकि कॉमनली जो वॉल लाइट्स होती है उनका ये पैटर्न या ये डिजाइन नहीं होता। ये हमने फानूस को ही तोड़ के बनाया हुआ है, मतलब जो फानूस मैंने अभी आपको अपना दिखाया है उसी के साथ जो शैंपेन फानूस था उसी के पार्ट्स को तोड़कर ये वॉल लाइट बनाई हुई है। ये ऐसे ही समझ ले से मैं अपने सिल्वर की एक डंडी को तोड़ के उसकी वॉल लाइट बना लूं। तो ये स्पेशली कस्टमाइज्ड वॉल लाइट है, बड़ी मेहनत से मुझे मिली, और अभी आपको दिखाऊंगा कि लगाकर इसकी फिनिश लुक कैसी आई है। क्या किया है भैया, इसके ओपीसी ग्रिड लगा दिए, तब इसको फिक्स करने लगे। ओके, ये लगा के फिर बाद में आपको दिखा। ओके ठीक है। ओके, आपका भी कोई चैनल है? नहीं भैया, चैनल तो नहीं है मेरा। अच्छा, कोई शौक है बनाने का? कोई खास शौक तो नहीं है, लेकिन अभी दिल बन गया कि बनाता हूँ यार। अच्छा, संभव नहीं है ना। अच्छा, फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके किस साथ वीडियोस वगैरह बनाएंगे? वैसे किस वीडियो, फनी वीडियोस बनाना चाहते हो? ड्रामे आते हैं, स्किट्स? ड्रामे इंशाल्लाह बनाएंगे, तो फिर देखेंगे किस तरह हमारे सब्सक्राइब आते हैं, यूट्यूब पे चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्किट छोटे छोटे सोचने पड़ेंगे, फिलहाल रोल सोचने पड़ेंगे, ड्रामा छोटा सा एक ही दफा बनाना शुरू कर दे, ऐसा तो हमारा तजर्बा नहीं है। हाँ, हमारा तजर्बा इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के काम के बारे में अगर कोई चैनल बनाया जाए, इंशाल्लाह जब चैनल बनाएंगे तो ये सारी वीडियो चढ़ाएंगे जो काम करेंगे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का, तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखेंगे। अच्छा अच्छा, मेरे चैनल से माशाल्लाह इंस्पायर होके बहुत लोगों ने चैनल खोले हैं। बिल्कुल, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, और आप माशाल्लाह काम के मुतालिक ज्यादा वीडियो बनाते हैं। हाँ जी, यही कोशिश होती है हर वीडियो से, लोग कुछ ना कुछ सीखें, उनका कोई ना कोई मसला हल हो। बिल्कुल जी, चाहे तो कंस्ट्रक्शन या घर से मुतल्लिक या घर की तज़ीनो आराइश से मुतल्लिक कोई आइडियाज उनको मिल जाए, अच्छी चीजें कहाँ से सस्ते दामों, अच्छी चीजें किधर से मिलती है वो उनको पता चल जाए। ज्यादातर लोग के साथ हेल्प करते हैं, हेल्प की बात है, कोई समझे तो एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मेरे साथ और लोगों को भी जिस हद तक जो जिसकी मदद कर सके करने की तौफीक अता फरमाए। ये बिजली का काम सीखते सीखते सीख गए, कहीं से पहले ट्रेनिंग ली थी? ये भाई है मेरा, वो काम करता है, उनसे ट्रेनिंग ली 1 साल की। अच्छा, 1 साल के बाद माशाल्लाह मैं अपना काम खुद भी कर सकता हूँ शुरू। यार मैं समझता हूँ इस काम में इतना स्कोप है ना, क्योंकि लोग खुद हाथ नहीं डालते। अभी ये क्या क्या काम है, सिंपल आपने तारे जोड़नी है, लेकिन क्योंकि मैं खुद नहीं करता ये काम, मैं ऐसे इतना लोग डरते बहुत हैं जी। तो ये आपको मतलब डिमांड ही रहती है, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिशियन लाए और भागते हैं आप लोगों के पीछे पीछे। बिल्कुल जी, तो अगर ये काम कोई सीख जाए तो मैं समझता हूँ महीने में लाखों कमा सकता है। बिल्कुल
क्यों नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल यही बात है, शुक्र कोई अजीब बात नहीं है कि किसी महीने आप लोग 3-4 लाख भी बचा लेते हो। बस इतना तो खास नहीं है लेकिन 2 लाख के करीब, 3-2.5-3 के माशाल्लाह गिरता है, शुक्र है। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लगी है, और आप देखें इसका कलर कॉम्बिनेशन जरा हूबहू मैच किया है इसके बैक साइड पे लगे हुए वॉलपेपर के साथ। ये देखें मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, ये कितनी प्यारी लग रही है। बस अब इसके ऊपर बल्ब लगेगा, फिर आप इसकी जरा कितनी ये जो इसकी चमक दमक है वो आपको पता चलेगा। क्रिस्टल की बनी हुई है ये, तो ये वॉल लाइट आपको 5,000 रुपीज में मिलती है। आजकल ये प्राइसेस इतनी ज्यादा हुई हुई है, मेरा अपना फानूस जो है अभी मैंने कब लिया था, मेरे ख्याल में कुछ 4 महीने पहले लिया था, अभी जो है वो जितना मैंने खरीदा था उससे 8,000 महंगा मार्केट में है वो, जो भी मैंने आपको फानूस दिखाया था। जो ये वाली वॉल लाइट भी है ये 5,000 रुपीज की है, ये देखें। ये आइडियाज बहुत जरूरी होते हैं। मेरा चैनल तो आपको पता है प्राइमरीली घर से, घर की तज़ीनो आराइश से रिलेटेड है, घर की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, सेम फी घर से रिलेटेड है, तो कोई भी ऐसी चीज मैं छोड़ता नहीं हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूं कि अच्छा यार ये थोड़ा सा वर्टिकल, थोड़ा सा इसको हाथ से कर लोगे जी? मुझे लगता है थोड़ा सा सीधा करने की जरूरत है, इस तरह थोड़ा सा कि नहीं? आपने ये इधर है, आप नीचे हैं, आप नीचे एक मिनट। हल्का सा ना 1 सेंटीमीटर लेफ्ट होना चाहिए। हाँ हटो आगे से तरफ, हाँ अभी आगे से, ये आगे से क्रिस्टल को पकड़ के थोड़ा सा यूं करने की कोशिश करो। एक मिनट अभी, बिल्कुल बताना, एक मिनट मैं खुद देखता हूँ। हाँ अभी ठीक है, ठीक है अभी ठीक है, ऑन करो। कितनी माशाल्लाह खूबसूरत लगी है। इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। अब ये डिजाइन फेमस हो जाएगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे से मंगवा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये डिजाइन आपको कहीं से मिले। 5,000 रुपीज इसकी प्राइस है और आपको घर पर डिलीवर करवा दूंगा, उसके लिए आपको मैं नंबर शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, बहुत प्यारी लगी है। आपको कैसी लगी? खूबसूरत है ना? हाँ ये बहुत बहुत ज्यादा कमी है, ये अभी मैंने दोनों लाइट्स ऑन की हुई। अब मैं वो एलईडी लाइट बंद करता हूँ तो फिर आप देखिएगा कि खाली इसकी लाइट कितनी है। मैं एलईडी लाइट को बंद करूँ, ये देखिए अभी खाली इसकी है, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड सी, वार्म सी, नॉट टू मच इन द आई एंड लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। ये जो कैंडल स्टाइल होता है यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट, ये अच्छा ही लगता है हमेशा। वो है हमारा माशाल्लाह डॉलेंस का वर्टिकल इन्वर्टर फ्रीजर, उसके बारे में भी वीडियो बनाई थी, जो बहनें लेना चाहती हैं मेरे चैनल पर देख सकती हैं उसकी डिटेल्स और रिव्यू। ये आपको पता है ये मेरे टीवी लाउंज की दीवार है, इसके ऊपर मैं 2 फुट की एलईडी लाइट लगवा रहा हूँ। आपको पता है मैंने अपने पूरे घर में एलईडी लाइट्स लगवाई हुई हैं, जैसे आपने अभी कमरे में भी देखा था, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये ड्राइंग रूम में भी लगी हुई है, इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर भी लगी हुई है। तो ये तो है 4-4 फुट की, 4 फुट की होती है ना ये? जी जी, लंबी वाली 4 की होती है ये। तो आज मैं आपको ये 2 फुट वाली एलईडी लाइट का भी आइडिया दे रहा हूँ,
कि इसको भी आप लगाना कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लग के कैसी लगेगी। ये मैंने ली है ओसाका कंपनी की, क्योंकि ओसाका की सबसे अच्छी होती है। पहले आपने तारों को छील लेना है ताकि उनके एंड्स निकल आए, उसके बाद आपने वो जो बैक साइड से निकल रही हैं रेड और ब्लैक तारे, उनके साथ बस जोड़ देना है। तो ये बहुत सिंपल है, उनके भी एंड्स को थोड़ा सा छील लें ताकि वो लंबे हो जाएं, क्योंकि आपको उनको आपस में इंटरट्वाइन करना होता है या एंटैंगल करना होता है, या उनको आपस में जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इसको नीट करने के लिए मैंने डेकल्स रखे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिल्वर डेकल्स है, क्योंकि वो जब लगाएगा तो थोड़ा सा वॉलपेपर उसने काटा है, तो उसके हिसाब से पहले उसको भी नीट फिनिश देनी है। ये थोड़ा बड़ा है मेरे ख्याल से। पहले आप ट्यूबलाइट लगा लो। एक मिनट लगा देखिए, ठीक है, बाकी वो से चुप जाएगी ना। ये इधर से फाड़ दे थोड़ा थोड़ा के लगा रहे, अभी लगा रहे ने तो बाद में डिसाइड बाद में करना। ये करते हैं। देखना दोनों साइड से बराबर है। बराबर एक सेकंड में देखता हूँ, थोड़ा सा आगे से हटना, नीचे होना। हाँ सही, बिल्कुल सही है। ऑन करना, ये देखें व्यूअर्स, ये 2 फुट की लगाई है। ये भी बड़ी प्यारी मुझे लग रही थी। अभी होता है क्योंकि अक्सर मैं इधर डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, तो फ्रंट से फेस पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो मैं थोड़ा बेहतर आऊंगा। अच्छा, उसको नीट करो यार ऊपर से। ऊपर से ऐसे एक मिनट कोई तरीका करो, टेप दे दो ना कोई, और सफेद टेप हो तो वो बेहतर, इसके ऊपर लगा देते। ये एंड में ऊपर एक टैकल लगा दिए, जिस तरह से आप वो देख रहे हैं ना, ये वाले उसी तरह का, ये सिल्वर मिरर का एक टैकल लगा दिए। राइट साइड पे आगे की तरफ, हाँ इधर की तरफ धकेलो इसको। सही है, जरा सा और 1 सेंटीमीटर और, बस। हाँ जी, आप बिल्कुल सेंटर है।
व्यूअर्स अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और बिजनेस करो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।